मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वानश्रेय के मार्गदर्शन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 47 खंडपीठें गठित की गई हैं। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा सदस्य तैनात किए गए हैं। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, 138 चेक बाउंस, विद्युत, शंभू अर्जन, नगर पालिका निगम प्रीलिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए हैं। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय तृप्ति शर्मा प्रथम खंडपीठ में कुटुंब न्यायालय रीवा के प्रकरणों की सुनवाई कर रही हैं। खंडपीठ क्रमांक 2 में विशेष न्यायाधीश चंद्रमोहन उपाध्याय, खंडपीठ 3 में न्यायाधीश विक्रम सिंह, खंडपीठ 4 में न्यायाधीश रमेश रंजन चौबे, खंडपीठ 5 में न्यायाधीश देविंदर सिंह पाल, खंडपीठ 6 में न्यायाधीश केशव सिंह तथा खंडपीठ 7 में न्यायाधीश आनंद गौतम, दिलीप सिंह प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। खंडपीठ 8 में न्यायाधीश प्रवीण पटेल, खंडपीठ 9 में न्यायाधीश दिलीप सिंह, खंडपीठ 10 में न्यायाधीश विवेकानंद त्रिवेदी, खंडपीठ 11 में आशीष ताम्रकार, खंडपीठ 12 में न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूप सिंह कनेल एवं खंडपीठ 13 में न्यायाधीश दीपशिखा अग्निहोत्री प्रकरणों की सुनवाई कर रही हैं। खंडपीठ 14 में जिला रजिस्ट्रार न्यायाधीश देवदत्त, खंडपीठ 15 में अक्षत तयाल, खंडपीठ 16 में न्यायाधीश पद्मिनी सिंह, खंडपीठ 17 में न्यायाधीश सचिन साहू, खंडपीठ 18 में न्यायाधीश ललित कुमार मैड़ा, खंडपीठ 19 में न्यायाधीश अंजलि अग्रवाल, खंडपीठ 20 में न्यायाधीश अमित सिंह धुर्वे, खंडपीठ 21 में आदिति अग्रवाल तथा खंडपीठ 22 में न्यायाधीश मीनाक्षी रावत प्रकरणों की सुनवाई कर रही हैं। खंडपीठ 23 में न्यायाधीश चेतना झारिया, खंडपीठ 24 में न्यायाधीश संजीव रहंगडाले, खंडपीठ 24 में न्यायाधीश संजीव रहंगडाले, खंडपीठ 25 में न्यायाधीश मीनल गजवीर, खंडपीठ 26 में न्यायाधीश अजय कुमार नागेश तथा खंडपीठ 27 में न्यायाधीश सुदीप कुमार श्रीवास्तव, खंडपीठ 28 में न्यायाधीश तथागत याग्निक, खंडपीठ 29 में न्यायाधीश आत्माराम खेड़िया प्रकरणों की सुनवाई कर रहे हैं। खंडपीठ 30 से 36 तक के न्यायाधीश मऊगंज न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रकरणों की सुनवाई कर रहे हैं। खंडपीठ 30 में न्यायाधीश अनिल कुमार, खंडपीठ 31 में न्यायाधीश कपिल नारायण भारद्वाज, खंडपीठ 32 में न्यायाधीश दीप नारायण सिंह, खंडपीठ 33 में न्यायाधीश दिव्या सिंह, खंडपीठ 34 में न्यायाधीश गीता उइके, खंडपीठ 35 में न्यायाधीश राहुल नामदेव तथा खंडपीठ 36 में न्यायाधीश आशीष मिश्रा प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। सिरमौर में खंडपीठ 37 में न्यायाधीश संतोष कुमार चौहान, खंडपीठ 38 में न्यायाधीश मानवेंद्र पवार तथा खंडपीठ 39 में न्यायाधीश नेहा रहमान प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। खंडपीठ 40 में न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा तथा खंडपीठ 41 में न्यायाधीश अल्तमस रहमान प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। त्योथर में तथा खंडपीठ 42 में न्यायाधीश योगराज उपाध्याय, खंडपीठ 43 में न्यायाधीश वंदना सोनी, खंडपीठ 44 में न्यायाधीश अमित मालवीय तथा खंडपीठ 45 में न्यायाधीश रत्ना अतुलकर जोशी प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। हनुमना में खंडपीठ 46 में न्यायाधीश विनोद कुमार चौधरी तथा खंडपीठ 47 में न्यायाधीश उत्कर्ष राज सोनी प्रकरणों की सुनवाई कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ और सुनवाई। अदालत लगाई गई क्या? ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसका आयोजन किया गया है माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में, जिसका उद्घाटन अभी माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय ने और हम लोगों ने मिलकर किया है। इसमें सबसे बड़ा प्रयास यही होता है कि जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें समझौता हो जाए, सुलह हो जाए, और सुलह समझौते के आधार पर समाज में इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बड़ी वजह ये होती है कि न्यायालयों पे जो दबाव है मुकदमों का, जो काम का बोझ है, वो तो कम होता ही है, पर समाज में एक समरसता और सद्भाव बढ़ता है जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आती है। और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में न्यायालयों की ओर से चल रहा है, जिसके बड़े सकारात्मक परिणाम हैं और ये देशव्यापी है। हम उम्मीद करते हैं कि आज भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों में समझौता होगा। कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा ये? अभी इस शुभारंभ अभी 10:30 पर हो गया है, ये शाम को 5 बजे तक चलेगी। हर प्रकार के निराकरण होंगे, ये अपील प्रकरण है,
रिवीजन के प्रकरण हैं, क्रिमिनल प्रकरण हैं, सिविल हैं, मैट्रिमोनियल हैं जो वैवाहिक संबंधों के हैं, और जो क्लेम प्रकरण हैं खासतौर से जो कोई क्लेम दायर करके यहाँ परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उसमें बैंकों के प्रकरण हैं। इस तरह से सभी तरह के प्रकरण यहाँ पर सुनवाई के लिए हैं।